हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अभी मैं जो शेयर आपके सामने लेके आया हूँ वो कजारिया सेरामिक है। आपने स्विंग ट्रेडिंग सुना ही होगा। स्विंग ट्रेडिंग होता है जो कि आप पोजीशन पे लेकर के आप इसको बाय कर लें, और जो गोल्डन क्रॉस ओवर करता है वैसे को अपन लगभग उसको स्विंग ट्रेडिंग में पोजिशन बेस पर बना के रख लेते हैं। तो ये एक वैसा शेयर है जिसका आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, जो 435 रुपये 55 पैसे पर आपको NSE में मिल रहा है। और ये अभी चूंकि गोल्डन क्रॉस ओवर किया हुआ है, ये क्रॉस ओवर बहुत अच्छा किया हुआ है, और आप देखेंगे जैसे सेंटीमीटर 100% बाइंग दिखा रहा है, तो बाई ही रिकमेंडेशन है। तो इसको आप एक बार पोजीशन पे बाय करके पेपर ट्रेडिंग कीजिए, आप 100 शेयर इसको बाय कीजिए और देखिए इसका क्या फ़ायदा होता है। ये जो जाएगा ये अच्छा खासा बढ़त दिखाएगा, और आपको 484 के आसपास जाकर के ये स्टॉप करेगा। 489 के आसपास का टारगेट है, और 489 क्रॉस करता है तो याद देखिए 489 क्रॉस करता है तो 551, तो 489 तक के आसपास आपको दिखाएगा, 480, 489, 490 इसके आसपास जाकर के दिखाएगा। तो यहाँ से अगर आप 100 शेयर भी बाय करते हैं, 435 पे अगर आपको 50 रुपये के आसपास मिलता है तो अच्छा खासा रिटर्न है। आपको 50 रुपये में अगर और ये एक महीने के अंदर उससे नीचे ही आ जाएगा, बट फिर भी आप 3 महीने के लिए पोजीशन पे बाय कीजिए। 50 डिवाइड बाई अगर आप करते हो 50 डिवाइड बाई 4 35, तो आपको 11% का रिटर्न। तो 11% का रिटर्न, 12% का रिटर्न मेरे अंदाज से तो बहुत कम समय में आ जाएगा। फिर भी आप इसको 1 महीने के लिए एटलीस्ट होल्ड करें, 1 से 2 महीने के लिए होल्ड करें, तो आपको 1 से 2 महीने में 10 से 11% और इससे ज़्यादा भी दे सकता है, 20% भी रिटर्न दे सकता है। 540 का जो आपने सेकंड देखा वो वहाँ तक भी जा सकता है, उसमें कोई भी कमजोरी नहीं है। और ये टेक्निकल बेस में मैं बता रहा हूँ आपको, ये 541 भी जा सकता है। चलिए एक बार इसको डिटेल में देख लें क्या है ये शेयर, क्या है। तो आप देखेंगे ये शेयर है, फेस वैल्यू 1 रुपये की है, और आपको इसको अगर और डिटेल में जाना है तो ये देखिए आप लास्ट डे की डिलीवरी देखिए, 49.59% की डिलीवरी हो रही है। पी रेशियो इसका 28 का है, थोड़ा महंगा है, इंडस्ट्रियल पी 29 है, तो लगभग सेम टू सेम चल रहा है। ऑप्शन चेन पे जाएं तो ऑप्शन चेन पे आपको दिख रहा होगा 450 पे अच्छा खासा इसको सपोर्ट है, ऊपर की ओर में रेसिस्टेंस है, तो 450 पे अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। और अगर 430 के आसपास अभी इसका सपोर्ट बना है, अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 20,000 का, और यहाँ पे लेकिन आप इसको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करें क्योंकि इसमें वॉल्यूम कम है। अगर इसके बारे में और डिटेल जानना चाहें तो आप ये देखिए कि इसकी डिलीवरी कैसे चल रही है। आप डिलीवरी देखेंगे तो अभी जस्ट इसको लास्ट 3 डेज से इसकी डिलीवरी 43% के आसपास आ गई है, 49.59% के पास चल रही है। एक अच्छी डिलीवरी है, और आप इसको बाइंग करके पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो लास्ट डे जो ट्रांजेक्शन हुआ था इसका 9 नवंबर को 400 ओपन हुआ, 421 में 420 का वही लो था जहां ओपन हुआ, लगभग वहां से थोड़ा सा नीचे गया और उसके बाद उसने हाई बना दिया और 3% का रिटर्न आपको दिया है। वॉल्यूम टोटल 10,30,000 का हुआ, 10 लाख का वॉल्यूम हो रहा है, 11 लाख का वॉल्यूम हो रहा है। तो आपने देखा ही यहाँ पे भी 11 लाख का वॉल्यूम में 5 लाख का डिलीवरी हो रहा है, तो अच्छा है। अगर इसके बारे में एक बार फाइनेंशियल के बारे में शेयर होल्डर एक बार देख लेते हैं, इसके शेयर होल्डर क्या है। अगर बुक वैल्यू देखें तो आपको सिर्फ प्राइस टू बुक वैल्यू आपको 4.95 टाइम्स मिल रहा है, तो इसको होल्ड करके पोजिशन पर भी बना करके लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, तो ख़राब तो नहीं है। अगर इसके प्रमोटर होल्डिंग की अगर एक बार देख लें, कोई प्रमोटर होल्डिंग क्या है, तो प्रमोटर होल्डिंग में आप देखेंगे यहाँ पे तो 47.58% है इनके पास, 6.89 इधर है और एनी अदर स्पेसिफिक के पास है। अब इसके पास शेयरहोल्डिंग पैटर्न 47% तो इनके पास है। अब डिटेल में जाएंगे प्रमोटर के पास तो अशोक कुमार कजारिया के पास 0.66 है, अशोक कुमार कजारिया विथ हॉप ओप बनाया हुआ 8.5%, प्रोफेशनल कैपेसिटी ऑफ शुल ट्रस्ट इनके पास है 16%, वीरेश कजारिया जॉइंटली विथ चेतन कजारिया इनके पास है 16%, ये फैमिली उनके पास सारे फैमिली के पास ये पड़ा हुआ है 47-48%। अगर हम टॉप पब्लिक शेयर होल्डिंग में देख ले क्या क्या है, तो टॉप पब्लिक शेयर होल्डिंग में देखिए आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्राइवेट फंड म्यूचुअल फंड ने भी इसमें होल्डिंग बना करके रखी हुई है 1.44% के साथ। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, ये सब बड़े बड़े फिडेलिटी ये इन्वेस्टमेंट फंड है। कोटेक इक्विटी हाइब्रिड फंड
गवर्नमेंट पेंशन, गवर्नमेंट ने भी इसमें पोजीशन बना के रखा 3.5% का पेंशन फंड ने। HDFC स्टैंडर्ड लाइफ, NRI, अब देखिए इसने फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, JP मॉर्गन, SBI, अब लगभग लगता है सभी ने इसमें पोजीशन बना के रखा। एक नेक्स्ट आपके पास अगर इसको एक साल दो साल के लिए रखे तो यहाँ से आपको 600, ऑलरेडी ये 700 से नीचे आया हुआ है तो यहाँ से आपको आराम से 700 दिखा सकता है। तो ये पोजिशनल बाइंग भी है, इंट्राडे किसी को करना है ट्रेडिशनल पोजिशन बाय शॉर्ट टर्म के लिए 3 महीने के लिए तो इसको बाय करके चलें, ये अच्छा खासा आपको रिटर्न यहाँ से दे सकता है। फाइनेंशियल का है, फाइनेंशियल एक बार देख लेते हैं, इसका फाइनेंशियल में भी कोई इशू नहीं है। रिजर्व देखिए, जहाँ इसके पास 477 करोड़ की होती थी 700 करोड़, आज के डेट में रिजर्व इसके पास 1360 करोड़ का है। और डेब्ट की बात करें तो डेब्ट के पास इसके पास सिर्फ कुछ सब कहने को तो 114 करोड़ का है, कोई खराब नहीं है, मैंने ये बहुत आराम से इजिली पेबल है, कोई इशू नहीं है इसका। और जहाँ तक बुक वैल्यू की बात करें तो 115 रुपये की बुक वैल्यू है इसके पास, अच्छा है। क्वार्टरली रिजल्ट एक बार देख लेते हैं इसका, क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो सेल आपका 633 से 677 करोड़, ईयर 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 बढ़ा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 614 का 677 करोड़ बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देखें तो आप देखेंगे कि 110 की जगह थोड़ा प्रॉफिट कम आया 81, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है 10 करोड़ से, 81 करोड़ की प्रॉफिट दिया है। और EPS देखें, बेसिक EPS 3.87 है, ठीक ही है, कोई इशू नहीं है। तो आपके पास 50 से 60 करोड़ का, अगर 140 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पर डेब्ट दिख रहा है और 50 करोड़ का प्रॉफिट है, 13000 करोड़ का, 13000 करोड़ का इसके पास, तो अगर 13000 करोड़ का इसके पास ये है डेब्ट है तो 1360 करोड़ का, 1360 करोड़ का अगर इसके पास रिजर्व है तो कोई ख़राब नहीं है, पोजिशन कोई ख़राब नहीं है। तो एक बार चार्ट पे चलिए देखते हैं इसका क्या हुआ है। तो आप चार्ट पे देखेंगे ये अच्छे खासे ऊपर से फॉल करके गिरा हुआ है, 764 के आसपास से फॉल बनाया हुआ है। इसका हाई लो अगर आप देखेंगे तो एक बार इसका हाई लो देख लेते हैं, तो आप देखेंगे हाई ये 764.90 का बनाया हुआ है और आज के डेट में आपको 310 रुपये पे मिल रहा है, तो हाई लो भी सॉलिड है इसका, हाई लो में भी कोई इशू नहीं है, अच्छा खासा गिरावट तो देखने को मिला था। तो अब यहाँ से आपको अपवर्ड साइड लिया है इसने, तो अब जो इसका आपको जो 424-435 पे है तो आप 424 के स्टॉप लॉस से इसको बाय कर सकते हैं, मेरे अंदाज से स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 424 का स्टॉप लॉस लगाइए और 489 के लिए वेट कीजिए, अभी 435 पे, और 489 के बाद 541, और ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये 200, 400, 1000% की गारंटी है, ये चार्ट ऐसा बोलता है, चार्ट के अनुसार मैं आपको बताता हूँ, इसमें मिलना ही मिलना। और कंटिन्यूस देखिए यहाँ बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ है, अगर आपके पास BI की भी देखो, वर्टेक्स की भी देखो तो ये बाइंग सिग्नल दे रहा है, ऐसा नहीं ऑलरेडी बाइंग सिग्नल तो पहले से यहीं से जनरेट हो गया तो कंटिन्यूस अपर जा रहा है, और यहाँ बेरस रिवर्सल का भी पैटर्न बन रहा है, तो हर तरीके से मैं बोलूँ तो ये बाइंग है, तो एक अच्छा पोजिशनल बाइंग आप कजारे सिरामिक को कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग कीजिए, इसको अपने पेपर पर रखिए, रख के चेक कीजिए, और अगर पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही पोजीशन बनाएं। नीचे दिए हुए बटन को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, और लोगों को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो हमें भी खुशी होगी और हम आपके पास ऐसे ही स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग के शेयर लेके आएंगे। हम आपको कोई इंट्राडे नहीं बोल रहे हैं कि कल इंट्राडे बाय कीजिए, लॉस कीजिए, जबकि मैं आपको बता दूं तो कल भी आपको ये इंट्राडे के सामने आप देखेंगे तो ये भी कल आपको 4 से 5 रुपये का आप दिखाएगा, मंडे को भी। अगर किसी को है तो वहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं, लेकिन आपको 484 का अगर जाना है तो आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, तो इसको होल्ड कीजिए, पोजीशन पे कीजिए, 1 से 2 महीना देखिए, अगर आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, एक शेयर भी आप पोजीशन पे ट्राई कीजिए तो देखिए क्या लॉस होता है। चलिए ये मेरा पोजिशनल कॉल था, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और पोजिशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात ले, ये मेरा डिस्क्लेमर है, धन्यवाद।